हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दाल के बड़े की रेसिपी। ये बहुत ही इंस्टेंट बनते हैं, बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। घर में बड़े लोगों को, बच्चों को, सबको, हर एज ग्रुप के लोगों को बहुत पसंद आते हैं। ये एज अ चाय के साथ आप टी टाइम में ले सकते हैं। अगर आपको ब्रेकफास्ट में बनाना है तो ये भी तब भी बहुत अच्छे लगते हैं, और शाम को अगर एज अ स्नैक बनाना है आपको तो भी ये बहुत ही परफेक्ट स्नैक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। तो दाल के बड़े हैं, डैट मीन्स दालें हैं इसमें। देखिए, मैंने सब दालें 1/3 कप के रेशियो के हिसाब से ली हैं। ये लाल मलका की दाल है, वो 1/3 कप। ये देखिए, ये है चने की दाल, 1/3 कप। ये सफ़ेद उड़द की दाल है, 1/3 कप। चने की दाल मैंने 2 बार ली है, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि 2 बार मैंने क्यों ली है, 1/3 कप। ये अरहर की दाल है, 1/3 कप। और ये मूंग धुली की दाल है, 1/3 कप। तो मैंने पूरा रेशियो इसी से लिया है, इस कप के हिसाब से मेजरमेंट। बाकी को थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और उसके बाद देखिए, इसमें बड़े बन रहे हैं तो स्पाइसी बनाने हैं, तो 2 हरी मिर्चें काटी हुई हैं मैंने, थोड़ा सा हरा धनिया लिया हुआ है, ये हींग ली हुई है 1/2 टीस्पून, और ये 1 से 1.5 इंच ये अदरक का टुकड़ा मैंने काटा हुआ है, 7-8 गार्लिक क्लोव्स हैं, और 1 मीडियम साइज का प्याज काटा हुआ है, फाइनली चॉप अनियन है। और उसके अलावा ये ड्राई स्पाइसेस तो सारे डलेंगे इसमें, जो जो डलेगा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दालों को सोक करके रखना होता है अराउंड कम से कम मिनिमम 4 आवर्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं सब दालों को एक बाउल में डाल लेती हूँ, क्योंकि हमें इनको सोक करना है, उसके बाद बहुत अच्छे से धोना होगा। एक बस जो चने की दाल 2 जगह लिए है, 1 चने की दाल को हम रोक लेंगे। ये देखिए, सारी दालों को हम बाउल में डाल लेंगे। ये देखिए सारी दालें हमने डाल ली हैं, बाकी बची 1 चने की दाल जो हमने 2 जगह ली थी, इस चने की दाल को अलग रख लिया है हमने। अब बाकी इन दालों को मैं पहले अच्छे से धो लेती हूँ 2-3 बारी, उसके बाद मैं इसको सोक करके रखती हूँ। ये देखिए, मैंने दाल को अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया है, और ये जो चने की दाल एक कटोरी में अलग से रखी हुई थी उसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है 2-3 बारी पानी से। अब मैं हम इनको सोक करके रखना है, तो मैं इसमें देखिए पानी डालूँगी। देखिए, अभी दाल फूलेंगी तो बढ़ जाएंगी, तो अराउंड देखिए अच्छे से इसको सोक करना है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इस वाले में भी ऊपर तक हम पानी डाल के इसको हम छोड़ देते हैं अराउंड। देखिए, पानी कर दिया, अब हम इसको 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 4 घंटे बाद हम इसको देखते हैं, ये अच्छे से भीग जाएंगी, उसके बाद हम इसको पीसेंगे। चलिए, तब तक हम इसको भिगो के रख देते हैं। देखिए, मेरी दाल अच्छे से सोक हो गई है, अराउंड मैंने 4 आवर्स इसको सोक कर दिया था अच्छे से, और अच्छे से सोक हो गई है। अब हमने इसको पीसना है मिक्सर ग्राइंडर में। ये देखिए, जो चने की दाल मैंने अलग रखी थी वो भी अच्छे से भीग गई है। इसको हमें कुछ नहीं करना है, स्ट्रेन करके इसको हम साइड में रख देंगे, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम बाकी ये जो मिक्सर ग्राइंडर में हम ये जो दाल है इसको पीस लेंगे इसको। ये देखिए, हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेंगे, थोड़ा पानी आ रहा है इसमें, तो थोड़ा हमें पीसने के लिए पानी डालना ही पड़ेगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि बैटर हम बहुत महीन नहीं करेंगे, थोड़ा सा थिक रखना है बैटर। और बाकी ये जो जिंजर और गार्लिक थे, ये हम बैटर में साथ में ही पीस लेंगे, ये इसी में ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो ग्रीन चिलीज भी इस बैटर में डाल सकते हैं, अगर आपको कटी हुई नहीं डालनी है, आपको पीस के डालनी है, तो आप इसमें भी डाल सकते हैं। तो चलिए, मैं इस बैटर को अच्छे से पीस लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने दाल अच्छे से पीस ली है पूरी दाल, आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। ये देखिए, अगर आपको लग रहा है कि दाल पीस रही है, थोड़ा सा पानी डालने की और ज़रूरत है, तो वो थोड़ा सा पानी तो डलेगा दाल को पीसने के लिए, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बस इसकी देखिए ठीक ठीक रखनी है कंसिस्टेंसी, और मैंने देखिए बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसा है। अब इस टाइम पर ये हमारा बैटर तैयार हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले ये अनियंस डाल देंगे, ये सारे इसमें अनियंस डाल देंगे,
ग्रीन चिलीज ऐड कर दी। ग्रीन चिलीज आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितनी डालनी है, अब ज़्यादा कोई पसंद करता है नहीं करता। कोरिएंडर, ग्रीन कोरिएंडर डाल लीजिएगा अपने टेस्ट के हिसाब से। यह हींग डाली थी, ये हींग डाल देंगे इसमें। बाकी ये हमारे डालेंगे इसमें ड्राई स्पाइसेस, ठीक है। ये भी सॉल्ट टू टेस्ट है, देखिए स्पून बहुत छोटी है, अराउंड 1 टेबल स्पून सॉल्ट डल जाएगा इसमें। थोड़ी सी ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी ये दूसरी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने, ये अराउंड में 1/2 टेबल स्पून डाली है मिर्च और 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। इसके बाद हम ये डालेंगे, ये देखिए गरम मसाला, गरम मसाला अराउंड 1/2 टेबल स्पून डल जाएगा। पिसा हुआ धनिया 1/2 टेबल स्पून, ये देखिए पिसा हुआ जीरा और काली मिर्च, ये 1/4 टेबल स्पून डल जाएंगी। और इसमें साबुत जीरा मैं डालती हूँ, आप डालना चाहें, क्योंकि पिसा ऑलरेडी डाल चुकी हूँ तो आप डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए सारे स्पाइसेस इसमें डल गए हैं। अब हमने ऐड करना है ये जो चने की दाल हमने भिगो के रखी थी, ये इसमें ऐड कर देंगे सारी की सारी। ये देखिए ये दाल हमने इसमें ऐड कर दी। अब हमें बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आपने दाल भिगो दी, आपको लगता है कि आपने बड़े बनाने हैं, आपको पहले से पता है और आपने इसको दाल सोख की हुई पड़ी है अगर आपके पास, तो ये बड़े बनाना इंस्टेंट फटाफट बन जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ये देखिए हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, फेंट लिया देखिए ये। अब हम पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं, ये हमारा बैटर तैयार हो गया तलने के लिए। आइए हम इसको तल लेते हैं। मेरा ये ऑयल गर्म हो गया है, मैंने इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसके बाद मैं चलिए मैं इसको तल लेती हूँ। आप इसके अब इसको तलना है तो इसके साइजेस आपको अपने हिसाब से डिसाइड करने हैं। इसके लिए मैं हाथ से डालूंगी, देखिए आप चाहें तो छोटे छोटे भी तल सकते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में बड़ों की तरह बना रहे हैं तो आप बड़े बड़े तल सकते हैं, अदरवाइज एज ए स्नैक्स सर्व करने हैं आपने तो आप छोटे छोटे तल सकते हैं। जिस साइज के आप तलना चाहें आप उस साइज के तल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको गर्म कर लिया था, इसके बाद इसको मैंने स्लो टू मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। अब इसको हिलाएंगे नहीं, थोड़ा ऊपर अच्छा से गर्म होने देंगे, इसको तलने देंगे, उसके बाद इसको पलटेंगे, क्योंकि पलटना तभी चाहिए कि जब बड़े एक साइड से अपनी शेप ले लें तो तभी पलटेंगे हम। देखिए देखिए ये बड़े, ये देखिए हमारे कितने अच्छे बड़े, ये देखिए तल गए हैं, ये देखिए अच्छे से देखिए गोल्डन ब्राउन कर लेना है इनको। अब उसके बाद हम इनको पेपर पे निकाल लेंगे, टिश्यू पे। देखिए हमारे सारे, ये देखिए देखिए कितने बढ़िया से बड़े तल के निकल गए हैं। गरम गरम इसको बनाइएगा और जैसे भी आए दाल भिगो के पहले रख लीजिए, पीस के रख लीजिए, फटाफट गरम बनाइए। चलिए इसी तरीके से मैं और भी तल लेती हूँ। देखिए मेरे सारे तल गए हैं बड़े, अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ और मैं आपको एक फटाफट एक इसके साथ सर्व करने वाली अमिया की चटनी भी बता देती हूँ। इसके लिए देखिए मैंने अराउंड 250 ग्राम्स अमिया
देखिए काटी हुई है, ये सारी डाल देंगे जार में। और एक मीडियम साइज का प्याज डाला हुआ है और एक लहसुन की कली है एक, और ये 1/4 स्पून शुगर है। रेड चिलीज मैंने सोक करके रख दी थी 4 से 5, आप अगर रेड चिलीज नहीं है अराउंड ये 6 है और नहीं है अगर तो आप पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 स्पून नमक, 1 स्पून नहीं अराउंड 1/4 या सॉल्ट टू टेस्ट आप डाल लीजिएगा। और इसको हम पीस लेते हैं, इसको पीस लीजिए और लगेगा वैसे पानी की ज़रूरत नहीं लगेगी, लगेगी तो ज़रा सा डाल लीजिएगा। चलिए हम इसको पीस लेते हैं और बड़ों के साथ सर्व करते हैं चटपटी चटनी और करारे बड़े। देखिए फ्रेंड्स, बड़े और चटनी बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो गए हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे और कैसे बने आप ये भी ज़रूर बताइएगा। जिनको चटपटी चीज़ें पसंद हैं उनको ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चटनी भी बहुत ही चटपटी है और इसको आप किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बड़ों के साथ ही बनाना है। आप बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, अगर मेरे पेज अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियोज़, तो ज़रूर ये भी बताइएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए मेरे वीडियोस और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।